फाइन, ग्रेट, ठीक है। पैरेलली आप टास्क परफॉर्म करते रहो, मतलब जो भी कंटेंट हम कवर करते हैं ना, पैरेलली आप उस पे वर्क करते रहो। लाइसेंस आपने असाइन किया है? विदाउट लाइसेंस एटलीस्ट ऑफिस 365 का पोर्टल ओपन होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, चाहे वह आउटलुक हो, शेयर पॉइंट हो, या टीम्स हो, या कोई से भी सर्विस हो, उसका एक्सेस नहीं मिलेगा हमें। लॉगिन ही नहीं होगा फर्स्ट टाइम, जैसे लॉगिन करते हैं वही लॉगिन नहीं होगा? आउटलुक, आउटलुक नहीं, आउटलुक एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन मिल रही है, दिस इज द पेज ऑफ आवर लाइक जहां पे हमने डिस्कस किया था। So we already discussed, we are on page of users management, and in the users management properties we have already discussed the options which are available in our Office 365 users property. So ek baar directly hum chalte hain apne admin center pe, admin page pe, and let's try to understand about the number of features and number of options which are available in our Office 365 users properties. Simple sa, admin ke port pe aana hai aapko, we just need to open the admin panel. And in the admin panel, we are still on the page of users management. And in the users management, we already discussed about how we can create user and number of options which are available in our users properties. यहाँ पे देखो multiple options आपको दिखाई पड़ रहे हैं, multiple users are available, and each and every users contain their own license. हर एक user के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ license available है. We are able to find multiple options, add user, user template, add multiple users, multi-factor authentication. डिलीट यूजर, रिफ्रेश, रीसेट पासवर्ड, और ये एक्सपोर्ट यूजर अकाउंट। वी ऑलरेडी क्रिएटेड टेलनेट यूजर, एंड इन द टेलनेट यूजर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, आई थिंक वी कंप्लीटेड द पार्ट, आई थिंक वी कंप्लीटेड द ऑल ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज। यूजर की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गाइज प्लीज कंफर्म इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड टू the options which are available in the users properties. अगर इनकी user की properties में कहीं पे कोई doubt लग रहा है आपको, कोई particular option समझ में नहीं आया, तो please let me know, I'll help you to understand. Otherwise we can proceed for the next options which are available on the admin center. Account में बहुत सारे options हैं, just wanted to know about, we could be the alias, we could be the alternate email ID, and we have a much idea about multi-factor authentication, Microsoft 365 activation, and the basic information which are considered as attributes of our user account. इनमें से दिखने वाले हर एक ऑप्शन का लाइक जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। बिजनेस, सॉरी आपकी ना आवाज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मींस वो ब्लर सा आ रहा है आवाज में। सर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, आज हम प्रैक्टिस करते हैं सर, वो लाइसेंस क्रिएट हुआ है, कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास हम सर। ठीक है, डन। सिंपल क्वेश्चन, एलियस और अल्टरनेट में क्या डिफरेंस है? एलियस में तो ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई हम अपना जो पर्सनल मेल है या ऑफिशियल कोई मेल है या कोई किसी से, तो आउटसोर्स के साथ हम उसे शेयर नहीं करना चाहते। जैसे मान लो हमें किसी के साथ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कम्युनिकेट करना है कि हमें लगता है कि के साथ हमें एक दो बार मेल कम्युनिकेशन करना है, उसके बाद नहीं करना है, तो दैट टाइम के लिए एलियस शो करते हैं। राइट, ठीक है। सो एलियस इन द सेंस डुप्लीकेट नेम, और यू कैन से दैट कैनोनिकल नेम दैट हेल्प अस टू like hide the information, the primary email ID है उसकी information हम share नहीं करना चाहते, so then we can proceed with the alias name, ताकि हमारे जो client हैं उनको like जब भी हम चाहें alias name को delete करके उनका conversation stop कर सके। ठीक है, alternate email ID का concept क्या कहलाता है? What is use of alternate email ID? क्योंकि alias और alternate email ID में से Maybe एक interviewer आपसे एक question put up कर सकता है, like as what are the differences, what are the gap between the alias and the alternate email ID? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। या दीपक? Yes sir. Alternative email address basically applicable in case we forgot the password
of our root account and the right so that time we can use the alternative email ID so that we can that can help us to retrieve the account. Clear. So alternate yeah. email ID, we need to use any email ID. Alternate email ID ke case mein koi bhi email ID ka hum istemal karte hain. So jiske through agar aapka office apne email account ko email account bhul chuke hain, so us case mein we just need to use this particular alternate email ID aur usse aap login kara sakte hain. ठीक है, so a number of options are available. Let's proceed for the another important part. जो भी other options दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा discuss करते हैं. How it can perform the task. वैसे हमने इसमें सभी के बारे में discuss किया था, devices के बारे में बात की थी. Devices का कोई भी option यहाँ पे highlight नहीं है. We are unable to find the device in this particular panel because you know that Office 365 के साथ साथ Intune services भी integrated है. Intune services की जो responsibility होती है, वो हमारे on-premises resources को इनरोल करने का काम करती है. और जब भी हम अपने डिवाइस को इनरोल करते हैं, जब भी हम अपनी डिवाइसेस को इनरोल करते हैं, इट मींस दैट आप उस डिवाइस के ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, बहुत सारी मींस उसमें ऑप्शंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं. इज ऑल राइट. सो ये हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास इंट्यून का पोर्टल है and with the help of Intune आप अपने किसी भी on-premises device को enroll करना चाहते हैं, so उस case के लिए हम अपने उस device की information यहाँ पे मिल जाएगी. License and application में लगभग हमने सारी चीजें discuss की थी कि it will provide you the information about the number of licenses that you have. आपके पास कौन कौन से licenses हैं, उनकी सभी की information आपको यहाँ पे मिल जाएगी. कौन सा लाइसेंस आप यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने यूजर के साथ, उस लाइसेंस के अंदर कौन कौन से फीचर या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, इनके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी. इज दैट क्लियर. सो ये अपने पास हो गया लाइसेंस एंड एप्लीकेशन. मेल की बात करें तो ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेल से रिलेटेड, वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस रिलेटेड टू द ईमेल. कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेटेड टू द ईमेल जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, टोटल कैपेसिटी 50 गीग और इस 50 GB की रिस्पांसिबिलिटी है. यस, इस 50 GB की जो रिस्पांसिबिलिटी है, व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ ईमेल एक्टिविटी, कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ ईमेल एक्टिविटी इन द सेंस लाइक एज जैसे आप सेंट आइटम है, ड्राफ्ट है एंड इनबॉक्स है, इनमें जितनी भी ईमेल्स वगैरह आपके पास रिसीव होंगे, वो जो कंज्यूम करेंगे स्पेस, वो इसी 50 GB में से स्पेस को कंज्यूम करेगी. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहे हो या 5 साल से काम कर रहे हो और आपका जो ईमेल अकाउंट है वो भर चुका है, इन द सेंस लाइक एज यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम ऑल द स्पेस, आप अपने ईमेल बॉक्स का कंप्लीट स्पेस यूटिलाइज कर चुके हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली रूल वगैरह क्रिएट करना और मैनुअल ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है. अब मैनुअल ऑप्शन में क्या होता है, मैनुअल ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली कि जब आप अपनी पुरानी ईमेल को कभी भी हम डिलीट नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑथराइज टू रिमूव एनी ईमेल आईडी, पुराने किसी भी कन्वर्सेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते. ठीक है, सो आप पुरानी ईमेल को क्या करते हो, आर्काइव मेल बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हो. राइट, आप अपनी पुरानी ईमेल आईडी को आर्काइव मेल बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हो कि चलो ठीक है, 2015 में आपने कंपनी स्टार्ट की, अभी 2024 है, 15, 16, 17 तीन साल की कन्वर्सेशन आप आर्काइव में ट्रांसफर कर दो. गॉट इट, तीन साल की कन्वर्सेशन आपने आर्काइव में ट्रांसफर कर दिया. या प्लीज गो अहेड तो आपके पास कोई भी राइट्स नहीं होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जितनी भी एक्टिविटी होगी आप एज ए यूजर काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज ए एडमिन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे पोर्टल को मैनेज करने की. राइट, हम आउटलुक की ट्रबल शूटिंग नहीं कर रहे हैं अभी, आउटलुक का ट्रबल शूटिंग हम 2 घंटे में करेंगे बस.
हार्डली 2 घंटे लगेगा आउटलुक की ट्रबल शूटिंग करने के लिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट द इशूज रिलेटेड टू द अदर इम्प्लॉयज मेल आईडी. जो अदर इम्प्लॉयज है ना उनकी ईमेल आईडी को आप ट्रबल शूट कर रहे हो. आउटलुक का मतलब एक इंडिविजुअल ईमेल आईडी आप मैनेज कर रहे हो और उसमें भी आउटलुक की शेयरिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हो. नो, वी आर ट्राइंग टू सेट अप अ ईमेल मैनेजमेंट फॉर कंपनी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ईमेल आईडी है, जो एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी है, उन एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी है, उनको आप कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हो, उनको आप मैनेज कर रहे हो. इट्स ऑल राइट प्लीज. यस, चलो अगले स्टेप पे चलते हैं. वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस पर्टिकुलर पैनल. द फर्स्ट वन इज मैनेज स्टोरेज. बाय डिफॉल्ट जो लाइसेंस हमने इस्तेमाल किया है E1 लाइसेंस, उसके अकॉर्डिंग 50 GB है, ये 100 GB हो सकता है, राइट? ये डिपेंड करता है कि आपने पैकेज कौन सा लिया है. ये 10 GB भी हो सकता है, ये 2 GB भी हो सकता है. सो ये डिपेंड करता है कि आपने पैकेज कौन सा लिया है उस पैकेज के अकॉर्डिंग, राइट? उस पैकेज के अकॉर्डिंग यू हैव टू लाइक एज यू हैव टू व्हाट वी कैन से दैट कॉन्फिगर योर लाइसेंसेस, कॉन्फिगर योर सर्विसेज. Is all right. We are able to find another option, mailbox permission. बहुत ध्यान से समझना इसको. Mailbox permissions का concept समझने की कोशिश करते हैं. Mailbox permission में read and manage permission, send as permissions, send on behalf of permission. अब देखिए यहाँ पे 3 options दिखाई पड़ रहे हैं और unfortunately हमने इसको कोई भी permission नहीं provide कर रखी है. आप चाहते हो कि कोई अल्टरनेट बंदे की ईमेल आईडी या कोई अल्टरनेट बंदा हमारे बिहाफ पे, राइट, हमारे बिहाफ पे मैसेज को सेंड कर सके, हमारी ईमेल्स को कॉन्फ़िगर कर सके, हमारे मैसेजेस को रीड कर सके, राइट, हमारे बिहाफ पे मैसेज को सेंड कर सके. लॉन्ग लीव पे हो या और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें यू आर अनेबल टू एक्सेस ईमेल एड्रेस, आपके पास एक्सेस नहीं ईमेल का, तो आपने किसी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे इस क्लाइंट से डिस्कशन कर लो. तो जब आप ईमेल सेंड करोगे ना तो टेलनेट का नाम आएगा वहां पे. ईमेल आईडी मेरी, मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करूंगा, बट हमने टेलनेट को ऑथराइज कर रखा है कि हमारी ईमेल आईडी के, 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 के नाम के थ्रू मैसेज को सेंड कर सके बिना अकाउंट को लॉगिन किए हुए. तो आप क्या करोगे, सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन पे जाएंगे. किसको असाइन करनी है परमिशन, ऐड पे जाएंगे. यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी यूजर्स की. किसी भी यूजर को आप ऑथराइज कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट यूजर एंड ग्रुप एज वेल. तो एक और यूजर बना लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सके. टाटा नाम का एक यूजर हम बना रहे हैं और लेट मी क्रिएट पासवर्ड. डेफिनेटली लाइसेंस देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ, तो लाइसेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट होगा तभी आप ये टास्क परफॉर्म कर पाओगे. अदरवाइज लाइसेंस के बिना हम किसी भी यूजर को ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन नहीं दे सकते. जो E3 लाइसेंस अपने पास है, सॉरी E1 लाइसेंस है, 20 लाइसेंसेस हैं, हम एक लाइसेंस इसको असाइन कर देते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी अथॉरिटी, आई एम नॉट गोइंग टू असाइन एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी. And create it. Back to incognito wizard. यहाँ पे हम एक incognito mode में Office 365 portal open करते हैं, Office open करते हैं. Login with the Tata user जो अभी थोड़ी देर पहले हमने create किया. tata@teachmecloud.net ये हमने user provide किया. User को temporary password assign किए थे हम. We must need to change the password. It is in progress. I don't want to configure any kind of multi-factor authentication. tata@teachmecloud.net. Chalo, we are able to log in Tata user. Kyunki humne रीसेट पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन नहीं किया था.
I'm going to open Outlook and we are able to access the Outlook क्योंकि अभी just हमने एक license assign किया है तो उम्मीद है कि हमें यहाँ पे access मिलेगा. चलिए Outlook का access हमें यहाँ पे मिल गया है and now Tata is new user. Try to understand. This is our root account. और हम telnet की properties पे थे. We just need to open the telnet properties. Go to the mail. Under the email, we are able to find multiple option. जिसको rights देना चाहते हैं. Other users को अगर आप rights देना चाहते हैं कि इसके behalf पे कोई दूसरा बंदा task perform कर सके, तो आप ये task अपने according manage कर सकते हैं. Got it, guys? हम what I'm saying? Concept क्या कह रहा है इसका? So I'm just going to click here, send on behalf of permission, add permission, select your user that we just created with name of Tata, tata@teachmecloud.net, इसको add कर देते हैं. Telnet के behalf पे Tata user message को send कर सकता है in case of Telnet user is not available for to send emails. Is all right. Tata Telnet available नहीं है, but उसकी जगह पे Tata user available है, जो कि email conversation को task email का task perform करेगा. चलो, let me help you to understand about how we can perform the task, like how it can work on behalf of कैसे काम करता है. उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये टास्क परफॉर्म होगा. सो वी जस्ट नीड टू गो बैक ऑन आवर टेलनेट यूजर. यहाँ पे एक नई ईमेल, किसी को भी एक ईमेल सेंड करते हैं. आई एम गोइंग टू ओपन माय रूट अकाउंट आउटलुक. रूट अकाउंट आउटलुक ओपन कर लेते हैं. दिस इज माय रूट अकाउंट. ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से. दिस इज माय रूट अकाउंट. ये मेरा रूट अकाउंट है, इस पे एक ईमेल आईडी सेंड करते हैं. राइट, दिस इज द ईमेल आई डी जिसको हमें सेंड करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट बैक टू द टाटा यूजर और यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं, सेंड मेल ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन. ठीक है, दिस इज टेस्ट मेल फॉर ईमेल परमिशन. ईमेल परमिशन, मल्टीपल परमिशंस होगी, आप अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को मैनेज कर सकते हो. चलो, ये हमने यहाँ पे टाइप किया परमिशंस के लिए. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करेगा. टेस्टिंग मेल फॉर ऑन बिहाफ ऑफ परमिशंस. कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन के केस में, जब आप मैसेज को सेंड करते हो ना, सो उस केस में अभी हम किससे लॉगिन किए हैं? आई थिंक टाटा यूजर से लॉगिन किए हैं. बैकएंड में परमिशन किसकी दे रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ किसका है? टेलनेट. टेलनेट मतलब जो रिसीवर को ईमेल रिसीव होगी, जो रिसीवर को ईमेल रिसीव होगी वो किस नाम से जाएगी? टेलनेट. राइट, जो रिसीवर को ईमेल रिसीव होगी वो टेलनेट के नाम से जाएगी. सो हमने यहाँ पे ईमेल वगैरह सेट कर लिए. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सेंडिंग के लिए कि हम कैसे इस मेल को सेंड करते हैं. और मेल को सेंड करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ईमेल जाएगा.
वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वी नीड टू क्लिक ऑन थ्री डॉट्स और वी आर एबल टू फाइंड रूल्स. रूल्स हमें अभी मैनेज नहीं किए. अरे ये इधर नहीं आएगा, आई गेस ये ऑप्शन में आएगा, जो फ्रॉम का ऑप्शंस में आएगा, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा तब रिफ्लेक्ट होगा. नेक्स्ट टू ड्रॉ ना सर, ऑप्शन है ऑप्शंस एट द टॉप. हाँ अच्छा, इन्होंने चेंज कर दिया काफी चीजें. शो फ्रॉम ना सर, क्लिक शो फ्रॉम करो तो उस पे आएगा था. तब देखे ये अनचेक है ना सर, से चेक करना पड़ेगा शो फ्रॉम. आप सर इस पे क्लिक करोगे ना, आप सेंड पे जो एरो बना इसके नीचे आएगा उस फॉर्म का ऑप्शन. यहाँ पे सर डालेंगे ना टेलनेट की आईडी अब हम फ्रॉम के ऑन. By default आना चाहिए ना इसमें permissions पे. वो ऑप्शन अब चेंज हो गया है, वो जो पहले फॉर्म नहीं टाटा से ही आ रहा है अभी. टेस्ट ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अभी जो हमें ईमेल रिसीव हुई है रूट अकाउंट को, वो किस नाम से, विद द नेम ऑफ टेलनेट. आपने परमिशन दी है, आपने ऑथराइज किया है टेलनेट यूजर को. That is why we are able to find. That is why we are able to see कि हमारा जो टेलनेट यूजर है वो हमें ईमेल को सेंड कर पा रहा है. Is all right? Yeah. Yes. So आप अपने रियल इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हो कि अगर हमारा यूजर अनअवेलेबल है उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में अनअवेलेबल है, तो आप उसके बिहाफ पे दूसरे यूजर को ऑथराइज कर सकते हो कि ठीक है, तीन दिन तक, चार दिन तक, पांच दिन तक ये बंदा नहीं रहेगा, कैन यू प्लीज टेक केयर द ईमेल एक्टिविटी. क्योंकि क्लाइंट से कन्वर्सेशन बना के रखना जरूरी है, क्लाइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको समझो और उसके बिहाफ पे सारा कन्वर्सेशन आप कंप्लीट करो. So that is why it's mandatory for us. We must need to know about the use cases of our जो भी permissions option दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे options हमें मालूम होने चाहिए. Is all right, please? Yes. चलो next चलते हैं अगले step पे, users की properties पे. We are still on the page of users properties. And in the users properties, last wale option pe the mailing ke case mein. In the mail panel, one more important option is available. So in the global address list. So global address list kya hota hai? GAL kya hota hai? Global address list is basically related to the dictionary, or you can consider it as a phone book. Aap isko as a phone book consider kar sakte ho. Aur jiski responsibility hoti hai, फोन बुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन यानी उसकी ईमेल सर्विसेज को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके रख सकते हो. इज ऑल राइट? यस. ठीक है. और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल फॉरवर्डिंग. सो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ईमेल फॉरवर्डिंग के केस में. द मीनिंग ऑफ ईमेल फॉरवर्डिंग, आप यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं.
किसी भी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है जिसको आप ईमेल की कॉपी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिसको भी आप ईमेल की कॉपी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई भी ईमेल आप ट्रांसफर करना चाहते हो और उसकी एक कॉपी सामने वाले यूजर को सेंड करनी है, तो यू कैन डू दैट। आपको मेल आईडी केवल देनी पड़ेगी, उसकी डेस्टिनेशन की मेल आईडी देनी पड़ेगी, बाकी वो टेक केयर करेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो गए। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मोर एक्शन में जाकर के, दो ऑप्शन है कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। आप अपने इस ईमेल आईडी को, आप अपने इस यूजर की प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जो एक्सचेंज एडमिन सेंटर है उसकी प्रॉपर्टीज पे अगर वहां पे ले जाकर के इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एनीवे, बट एक्सचेंज एडमिन सेंटर का हम पार्ट अलग से कवर करेंगे। अभी तक के लिए यूजर की प्रॉपर्टीज में आई थिंक ये सारी चीजें इनफ है। इफ वी हैव आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स, सो डेफिनेटली हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो प्लीज गो थ्रू द ऑल पॉइंट्स दैट वी डिस्कस, एंड इफ यू फील लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or doubt, please let me know. Sir, so far we have completed user properties, user management options. So, sir, what will be the question asked by the interview from that part? Yeah, the very first question, if you are going to apply for the L1 or L1 Plus. अगर आप L1 Plus के लिए apply कर रहे हो, तो admin center, और L1 के लिए apply कर रहे हो, तो admin center से questions आएंगे. How many types of licenses are available? Right? How many types of licenses are available? And difference between the licenses, एक difference पूछेंगे कि इन दोनों license में क्या difference है? So maybe E3, E5 में licenses पूछ सकते हैं, E1 या business premium या business standard के case में licenses को पूछ सकते हैं। Okay. Right? So you have to provide the information about the license. Okay. Any other questions? Yeah. Other question mein, difference between alias and alternate email ID. What are the gap between alias and alternate email ID? Second, how we can move our mailboxes to the archive mailbox? How to convert our normal mailbox to the shared mailbox? Difference between normal mailbox or user mailbox to the archive mailbox. इनके बीच में, sorry, shared mailbox और normal user mailbox में क्या difference है? And उतना ज़्यादा नहीं, configure करने के लिए नहीं. And second, users में bulk user, multi-factor authentication. Bulk user creation and multi-factor authentication का भी question आ सकता है. So be prepared, you must need to know about the concept of multi-factor authentication, how we can manage the multi-factor authentication, or kis tarike se hum apne what we can say that users ki properties ke andar jo other options hai unko kaise manage kiya jata hai, ye sari cheeze hame malum honi chahiye. All good? Yes. Next, let's proceed for the another important part. Users की properties में ही bulk user creation का थोड़ा सा concept समझने की कोशिश करते हैं कि what is use of bulk user creation. So basically, in the case of bulk user creation, we are authorized to create multiple users. यहाँ पे एक options मिलेगा आपको bulk user creation का, like as a add multiple user, but उसके पहले एक option दिखाई पड़ रहा है users template. So basically as per the name suggests, जहाँ पे template की बात आती है, template basically किस लिए होता है? Template is responsible to manage a kind basic, of enhanced. Yeah. Mm-hmm. So basically, sir, we can use this template. Once we created one template, we can use again and again these template for all the other users. Right, we don't it save our time. Exactly. We don't need to enter again and again information about the user. It's automatically captured.
it will help you help us to save the time. Yeah. कि एक एक ही टास्क को हमें बार बार परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. आप जिस तरीके के राइट्स या परमिशन देना चाहते हैं, सारे राइट्स और परमिशन एक टेम्पलेट में रखो और उस टेम्पलेट के इस्तेमाल से आप मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो. एन नंबर ऑफ यूजर्स यू वांट टू क्रिएट, डेफिनेटली वी आर एबल टू डू दैट बाय यूजिंग द टेम्पलेट. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द सेटिंग्स आर अवेलेबल, व्हाट आर द सेटिंग्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ टेम्पलेट. जब आप टेम्पलेट बनाते हो तो कौन कौन सी सेटिंग, कौन कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ पे मैनेज करोगे. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर ऑफ सेटिंग्स रिक्वायर्ड. लेट मी क्लिक ऑन द टेम्पलेट. टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से हम धीरे धीरे टास्क को बढ़ाते हैं. यूजर पे क्लिक किया, एड टेम्पलेट. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल टेम्पलेट, डेमो टेम करके हमने क्रिएट कर रखा है. एड टेम्प पे किया और यहाँ पे नाम दे दिया. सबसे पहले तो डिस्प्ले नेम क्लास टेम्प के नाम से एक नाम दे दिया. नेक्स्ट पे क्लिक किया, दिस इज द पैनल वेयर वी कैन डिसाइड, वेयर वी कैन कॉन्फिगर अवर व्हाट वी कैन से दैट, वेयर वी कैन कॉन्फिगर अवर डोमेन. एक पर्टिकुलर अकाउंट में, एक टेनेंट में मल्टीपल डोमेन ऐड हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम ड्रैग ड्रॉप करें ना, तो आप देखिए मल्टीपल यूज डोमेन्स दिखाई पड़ रहे हैं. क्लाउड कक्सा डॉट इन भी है, क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन भी है, टीच मी क्लाउड डॉट नेट भी है, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का भी है. अब आप अपने यूजर्स को इस टेम्पलेट की हेल्प से जब आप यूजर बनाओगे, उन यूजर्स को कौन सा डोमेन असाइन करना चाहते हो, क्लाउड सपोर्ट डॉट को डॉट इन, टीच मी क्लाउड डॉट नेट, cloudcursor.in या onmicrosoft.com. आपके यूजर cloudsupport.co.in से हम क्रिएट करना चाहते हैं. दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आर लेट मी क्रिएट पासवर्ड. टाइम को बचाने के लिए आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द ऑटो जनरेटेड पासवर्ड. यहाँ पे हम ऑटो जनरेटेड पासवर्ड की हेल्प लेंगे. नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आप लाइसेंस असाइन करेंगे. यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द लाइसेंस. For the license, we already decided even license देने वाले हैं सभी को. Select किया. Do you want to make permission? Do you want to authorize permission to any users? In user में से किसी को permissions देनी है, किसी को role assign करना है. For example, you are going to assign the role of user administrator ज़्यादा हो जाएगा. Exchange administrator और SharePoint admin. हमने इनको दे दिया rights किसके? SharePoint administrator. Means जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे, जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे अपने इस टेम्पलेट से, इस क्लास टेम्पलेट के नाम से, जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे, आपका जो यूजर होगा, राइट, आपका जो यूजर होगा, उस यूजर वो यूजर ऑलरेडी मेंबर होगा शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर का. इज इट ओके? प्लीज कंफर्म इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड. Okay, sir. Now, let's talk about the another options and features which are available. Other options की बात करें तो एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं इस टेम्पलेट के थ्रू. जो अभी रिसेंटली हमने टेम्पलेट बनाया है, डिजाइन किया है, इससे एक यूजर भी क्रिएट करके देखते हैं. एंड लेट्स सी कि उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, कितनी जल्दी हमें ये क्रिएट हो जाता है. क्लिक ऑन टेम्पलेट. क्लास टेम्पलेट अभी जस्ट हमने बनाया. एक यूजर बनाते हैं विद नेम ऑफ राज. डिस्प्ले नेम राज, लॉगिन नेम राज. नो नीड टू डू एनीथिंग. सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है. विद इन सेकेंड आपका यूजर रेडी हो चुका है. पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आया है यहाँ पे. पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आया है. बट अगर राज यूजर की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये वेल कॉन्फिगर्ड एक यूजर क्रिएट हुआ. द मीनिंग ऑफ वेल कॉन्फिगर्ड यूजर मीन्स आपको इस यूजर के साथ कोई अदर एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इज इट ऑल राइट? प्लीज
मतलब आपने पहले से ही इन्फॉर्म करके रखा था, पहले से ही आपने डिस्क्राइब करके रखा था कि द यूजर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, द यूजर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, द यूजर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द सर्विसेज, कौन से डोमेन में जाएगा, कौन सा लाइसेंस जाएगा, कौन सा इसको राइट्स दिया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने पहले से इसके इसको प्रोवाइड कर दी. So, sir, basically, we have different departments in one organization like HR, finance, sales. So, based on department, we have created the templates, right? So, let's say one people coming in HR team. So, based on HR template, we put it that user under it. Exactly. As we decided, as we already decided, ki kisko kaun si user ko kitne rights dene hai, wo humne pehle se describe kar rakha hai. Usi domain mein dalenge. Usi template mein create karenge. Can we proceed for next? Yes. Second important part, ये हमारे पास user template की बात हो गई. I am just going to click on another page, add multiple users. Yes. Another important part, we are authorized to create, we are authorized to create multiple user, bulk user में हम create कर सकते हैं. और bulk user के case में we can manage, right, we can manage 249 user on single click. आप 249 यूजर एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट कर सकते हो. इट्स ऑल राइट, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू क्रिएट, अगर हम यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें कि कैसे क्रिएट होगा, सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क यू कैन से दैट वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड, वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड, दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. पहला मेथड ये है कि यू जस्ट नीड टू manually enter the information about your user account, jo bhi users hain unki information ko aap manually set up karenge. And teesra dusra option hai ki aap csv file download kar lo aur us csv file ke andar aap editing karoge. Editing karne ke baad jo bhi aap user ki information provide karoge wo sab csv file mein, yes, wo sab csv file mein rakh kar ke aap unko transfer kar sakte ho. ये जो सर ये 249 यूजर्स का है वन टाइम में कर सकते हैं, ये जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ ये जो लाइसेंस है सभी का लिमिट सेम ही है सर 249 का, एक ही से कम ज्यादा है? हाँ, एडमिन सेंटर की बात करें क्योंकि ये लाइसेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. ये जो फीचर है ना ये आपके पोर्टल का फीचर है, इसका लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है. नहीं सर, मैं जैसे मान लो को इंटरव्यू पूछे कि हम वन टाइम में कितने यूजर वन टाइम में क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम. ये आपके पास कैपेसिटी है इंटर अप टू 249 यूजर्स इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर पैनल. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं ना तो आप देखिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. We just need to click on I would like to upload CSV file with user's information, download blank CSV with required header, download a CSV file include with user example. Iske liye prerequisite ye hai ki aap jis machine pe bulk user create karna chahte hain, jis machine ke through bulk user aap create karna chahte hain, us machine pe Excel download hona chahiye. Kyunki CSV aapki file tabhi open hogi jab aapke system mein Excel सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा. तो चलिए मैंने इसमें एक सीएसवी डाउनलोड कर लिया. लेट मी ओपन हाउ इट्स लुक लाइक, क्योंकि इसमें नोट्स है तो मे बी कि नोट्स से हम इसको लॉग इन कर पाएंगे.
this is the format, right? This is the format, and by using this particular format, we are able to create multiple user account. Guys, just allow me 1 minute. I'm getting one call. 1 minute, dijiye bas. Hello. Hi. I'm good. How are you? Yes. Guys, can you hear me? Okay. Fine. So this is the panel that CSV filed out that we downloaded. आपको यहाँ पे अपने users की सारी information share करनी है. User की सारी information share करनी in the sense like as कि जो user का first name है, last name है. My office shift is changed, so I'm not available in daytime. So today you are available after 10 o'clock? Okay, so 9 to 10. Okay, 10 o'clock fixed. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Sorry. Yeah, this is the panel, and by using this particular example sheet, इसको बोलते हैं, right? और example sheet के लिए, example sheets के अंदर multiple information आपको fill up करनी है, बहुत सारी information नहीं देनी है, सिर्फ काम की information share करनी है, right? काम की information in the sense like as जो required है, हम उनकी information को हम इसके साथ share करेंगे. जैसे पहला है यूजर नेम, ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे डोमेन वगैरह की डिटेल जाती है, तो ये मैंडेटरी है. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, दो तीन यूजर बना लेते हैं, जस्ट दो या तीन यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे. सो द यूजर नेम में भी टेस्ट नाम का बना लेते हैं, टेस्ट एट टीच मी क्लाउड डॉट नेट. ये पहला नेम हो गया. फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी देगा, अदरवाइज ये दिक्कत करेगा. टेस्ट क्लास, और यहाँ पे डिस्प्ले नेम में टेस्ट क्लास दे देते हैं. आई डोंट वांट टू कॉन्फिगर एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. टेस्ट 1@teachmecloud. डोमेन नेम आपको ध्यान रखना है कि डोमेन नेम आपका सही होना चाहिए. डोमेन नेम में कोई प्रॉब्लम हुई तो मे बी क्रिएट प्रॉब्लम. चलो ये तीन यूजर हम क्रिएट करना चाहते हैं. गो टू द फाइल, एक्सपोर्ट इन सीएसवी फॉर्मेट. इसको हम रख देते हैं अपने किसी भी फोल्डर पे. सेव कर दिया. आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड. ब्राउज किया सैंपल. चलो कोई नहीं, एक्चुअली जो एग्जांपल था, एग्जांपल हमने छोड़ दिया ऐसे ना, तो इसको हटाना पड़ेगा. एग्जाम्पल वाली फाइल को करते हैं रिमूव.
and save it again. Bulk users, and let me try to upload again. वैलिडेट होने देते हैं. अभी भी किसका एरर आ रहा है? ये सपोर्ट कहाँ से आ गया? सपोर्ट तो ईमेल आईडी मैंने दी नहीं थी. सर क्या डॉक में तो डिफरेंट नहीं है सर? आपने डॉक नहीं किया लेकिन ऊपर भी डॉक नहीं थी सर. डॉट नेट ही है ना? टीच मी क्लाउड डॉट नेट. लेकिन जो आपने डेमो शीट डाउनलोड की थी ये डॉट कॉम की थी सर, ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट वाला? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं मतलब है. फर्स्ट वाला तो हमें हटाना है ना, पहला वाला हटा देना है. You are using the same email address for two users. Test 2 करके? Yes. Bulk 2. Not highlighted. Other name से कर लीजिए सर. Same email address is used for two different users. अभी तो हमने हटा दिया है. test2@teachmecloud.net, test@teachmecloud.net.
यू मस्ट नीड टू यूज द यूनिक नेम, और थोड़ा सा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप यूजर्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो. सो अभी अपने पास ये हमने सेटअप किया, क्लिक नेक्स्ट. तीन यूजर क्रिएट कर रहे हैं एक साथ बाय यूजिंग द सीएसवी फाइल. Do you want to assign the license? ये यहाँ पे लाइसेंस का ऑप्शन है, ठीक है. तीन यूजर को लाइसेंस हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐड करते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा. तीनों यूजर हमारे रेडी हो चुके हैं, राहुल, राज, आकाश, आंद्रे. सो तीन डिफरेंट यूजर्स हमने बल्क की हेल्प से, एक, दो और ये राहुल राज, सभी को हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है. तो बल्क यूजर में मैनुअल फिल अप करोगे, 249 तक आप जा सकता है, और CSV फाइल से भी हम मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं. इज ऑल राइट. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम पहले से देख चुके हैं कि MFA कैसे टास्क परफॉर्म करता है. सो आई थिंक वी गुड विद द पार्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. प्लीज लेट मी नो आज की डेट में जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो. ठीक है गाइस, प्लीज स्टार्ट योर प्रैक्टिकल. पहले लिया प्रैक्टिकल सेटअप करोगे तो मींस काफी लाइक एज हेल्प मिलेगी, बिकॉज वी जस्ट कंप्लीटेड द यूजर पार्ट. दो क्लासेस और चलेगी जिसमें हम एडमिन सेंटर पार्ट कंप्लीट करेंगे. वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ एडमिन सेंटर देन हम इंट्रा एडमिन सेंटर पे आ जाएंगे, मींस एडी के पार्ट में आ जाएंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज ऑनलाइन. तो चीजें इकट्ठा नहीं करनी है, चीजें हम कंप्लीट करते चलेंगे. ऑल राइट, ये हम ऑफिस अपने ऑफिशियल मेल आईडी पर वहां पे कर सकते हैं सर अपने कंपनी में? नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियल मेल आईडी में एडमिन के राइट्स थोड़ी ना होते हैं. नहीं नहीं नहीं, मतलब अपने एडमिन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, लाइव में कंपनी के वहां पे सर. रियल एनवायरनमेंट में चलो डन करते हैं. हम आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देंगे और प्लीज परफॉर्म प्रैक्टिकल. सर आई एम गोइंग पैरेलली, आई एम डूइंग लैब, आई एम गोइंग पैरेलली, एंड सर आफ्टर टू क्लास के बाद हमारा इंट्रा एडमिन स्टार्ट होगा या एक्सचेंज? नहीं, पहले इंट्रा एडमिन हाइब्रिड, उसके बाद एक्सचेंज. ठीक है, हार्डली एक दो क्लासेस और लगेगी इसकी, उसके बाद फिर हमारा इंट्रा एडमिन का पैनल आ जाएगा. ठीक है, सो इंट्रा एडमिन में कितना टाइम लगेगा? इंट्रा एडमिन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हाइब्रिड सेटअप करेंगे ना, और वहीं से फिर एक्सचेंज एडमिन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा. हाइब्रिड के पार्ट से ही एक्सचेंज एडमिन सेंटर वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे. चलो डन करें फिर आज के लिए इतना. कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं यूजर्स मैनेजमेंट. थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू.